वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं, गुड नाइट का टाइम हो रहा है वैसे तो, और अभी बज रहे हैं 22:20, बुधवार का दिन है, उस दिन हमारी ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सो पता है हमारी जो मैंने लास्टिक लगवाने के लिए चादर दी थी वो सब आ गई हैं, ठीक है। सो उनको हमने बिछा भी दिया है, ये देखिए ये चादर इस कमरे में बिछा दी है हमने, ये सब में इलास्टिक लगी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है इलास्टिक लग के ये चादर है ना, ये इस कमरे की है। अब चलते हैं हम दूसरे कमरे की तरफ। मैं ना बीच बीच में पॉज कर देता हूँ क्योंकि लाइट ऑन करता हूँ है ना। सो ये यहाँ की चादर है, ये भी इलास्टिक लगवा दी है इसमें हमने इलास्टिक लग के बहुत ही अच्छी हो गई है, मतलब ये साइड वाइज से बिल्कुल भी नहीं निकल रही, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से भी नहीं निकल रही है। और से मात्र मैंने 600 चादरें करवाई थी, 900 रुपये लग के हुए हैं ये सारी चादरें। और अगर इलास्टिक की चादर लेने जाओगे मार्केट में तो कम से कम आपको 1500 रुपये एक चादर की पड़ेगी। वो जो हमारी तीनों रक्षाबंधन पे बिछाई थी हमने वो 1500 रुपये की थी, और ये 600 चादर 900 में ही होगी हमारी, ठीक है। सो इस कमरे की ये है, अब इस कमरे में चलते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारी इलास्टिक की चादर होगी। वो लाइट बंद करो, वो लाइट सारी आवाज, यहाँ कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है। चलो कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ की भी इलास्टिक की होगी चादर, यहाँ का ये है, ठीक है। कैसे लग रही इलास्टिक लग के, मस्त। और अभी हमारी जो पहले बिछ हुई थी वो मशीन में डली हुई धुलने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये पुराना कहानी घर करके देख रही है ये, ठीक है, ये सब पुराने एपिसोड देख रही है, मैं इतने सब देख चुका हूँ। और हाँ, अब आप एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए ये पैकिंग हो रखी है हमारी, हम कहीं जा रहे हैं, जब हम जाएंगे, जब हम निकलेंगे हम आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी चीज़ की पैकिंग है बस, ठीक है, हम निकलेंगे, देखते हैं कब निकलते हैं, ठीक है। सो खूब मज़ा आने वाला है आपको, ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखने को मिलेंगे फिर दोबारा, कितने अच्छे अच्छे व्लॉग्स फिर दोबारा से आपको देखने को मिलेंगे हमारे, है ना। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा आज जो क्या है थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाए। लंच में हमने खाया था, आज ऑफिस है तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया था और बहुत काम भी था, और लंच में हमने खाया था तोरी, और डिनर में हमने खाया था करेले और रोटी, तो हमारा था लंच और डिनर, ठीक है। तो बस मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद में। और गुगी आओ, गुगी आओ, आओ 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 आओ, ये हमारा गुगी है, गुगू अच्छा लग रहा है, कमरा साफ सुथरा लग रहा है, ए? निप्पी दे रहे हो, दे दो व्यूअर्स को निप्पी, दे दो अपनी निप्पी दे दो, ले लो ले लो व्यूअर्स, निप्पी ले लो इसकी आप, अच्छा लग रहा है कमरा, मजे आ रहे हैं, है? लाइट जल रही है ना इसको, ये देखो कितनी लाइट जल रही है, लाइट देख के खुश सा रहता है, लाइट देख के अच्छा लगता है आपको, लाइट्स हैं सारी कमरे की लाइट जल रहा है रखे पापा ने। आओ कछुआ, कछुआ नहीं चलता वैसे, वैसे भी चलता है कभी कभी, कछुआ ऐसे ही प्यारा सा बच्चा है हमारा, बहुत प्यारा सा है ना, जब बॉय जब वो नहीं 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 नहीं। चलो मैंने लाइट बंद कर दो ना, बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा, एक लाइट जला देते हैं बस। ये देखिए कोजी बेडरूम है ना, बढ़िया वाला, यहाँ का भी ऐसे कर देते हैं, यहाँ का भी अच्छी सी लाइट जला देते, एक लाइट जलाओ, कोजी बेडरूम, इसमें ना बहुत सारी लाइट है देखो, वाइट ये वाली, तो ये वाली जला देते, अच्छा लग रहा है ना बेडरूम। चलिए मिलते हैं अभी आपसे फिर। सो व्यूअर्स अभी हो रही है यहाँ पे क्या हो रही है, नाइट है ना, और यहाँ पे पता है क्या हो रहे हैं बताइए, ये चादरें इस पे मशीन में सूख चुके हैं तो इनको सुखाया जा रहा है, मतलब कि धुल चुके हैं, अब इनको सिर्फ सुखाना है, तो वो ही हम करने आए हैं, ठीक है जी।
वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन है थर्सडे, थर्सडे तो साईं बाबा का दिन। अब ये इसी ब्लॉग का कंटिन्यूशन पार्ट है जो आपके जो मैंने वेडनेसडे को शूट किया था। सो देखिए चादर वादर सब उतर गई हैं। ये श्वेता सुबह आज ऑफिस गई थी, उतार के चली गई थी सारी चादरें, और मतलब कि सूख गई थी तो वो तय करके रख के चली गई बस। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कपड़े डालने के लिए आया हूँ। ये कपड़े यहाँ पे डाल दिए, अभी यहाँ पे ही डाल दिए, अब इनको हम चला देंगे धोने के लिए बस। उसके बाद करूँगा पूजा, फिर अपना ऑफिस का लॉगिन। पूजा कर ली है मैंने। अब मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं अपना लॉगिन करने जा रहा हूँ। वैसे टाइम हो रहा है क्योंकि 9:25 9 बजे का लॉगिन होता है, तो 9:30 बजे तक आप कर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। और मैं सोच रहा हूँ यहीं पे कर लूँ, क्योंकि वहाँ पे ना ये कैरप सो रहा है तो उसको ज़रा सी भी रोशनी दिखेगी ना लैपटॉप की किसी भी चीज़ की तो वो तुरंत उठ जाता है। यूजली जब रजनी आंटी आती है तब वो उठ जाता है, ठीक है, क्योंकि रजनी आंटी लाइट जला के झाड़ू पोछा करती है तो वो उठ जाता है अपना मज़े से तो बस। और हाँ, तो जो कपड़े मेरे आपको दिखाते हैं वो कपड़े इस पर है श्वेता, मेरे कपड़े डले हुए हैं धुलने के लिए, और क्योंकि हमें फ्राइडे को जाना है तो इसलिए हम अपने और मेरे श्वेता के मैंने हाथ धुलवा धो लिए, और फिर कल मम्मी के डल जाएंगे कल या आज रात को ही, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे नाइट को निकलना तो इतना टाइम है नहीं, तो दैट्स वाई, ठीक है। अब फिर रजनी आंटेंगे, फिर हम करेंगे अपना नाश्ता, देखते हैं क्या करेंगे, जो भी करेंगे आपको बताएंगे, ठीक है, या दिखा देंगे जैसा मन करेगा, ठीक है, और जैसा टाइम होगा, क्योंकि ऑफिस लॉगिन हो जाता है फिर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं आपको दिखा दूंगा, अदरवाइज जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा तब आपको बता दूंगा, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स कैसे मेरे ऊपर कूदता रहता है, कूद के दिखा दो पापा के ऊपर, कूदो कूदो कूदो, जंपी करो, जंपी जंपी। अच्छा जैसे उसने पीला पहना, अरे 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 ऐसे कूदोगे, ऐसे ऐसे कूदता है पापा के ऊपर, ऐसे ही कूदते हैं ये महाशय पापा के ऊपर। ये देखो ये देखो ये देखो कितना प्यार जताता है, ये देख रहा, ये देखो काले काले काले, लेट जाओ लेट, पापा के ऊपर सो के दिखा दो कैसे होते हो, ऐसे सोता है पापा के ऊपर, पापा के ऊपर सोता है ये बेटा मेरा, ये देखो कहाँ चढ़ोगे आप, कहाँ चढ़ोगे, पापा का है, पापा का है, पापा का है, ये पापा का है, ये पापा, पापा का है, ये मम्मी का है, मम्मी का है, ऑफिस ऑफिस ऑफिस, ये
मम्मी कहाँ गई है? ओके हेलो व्यूअर्स, अभी हो रही है गुड इवनिंग, मतलब की हो रही है इवनिंग, ठीक है। और अभी कितने बज रहे हैं? बज रहे हैं 6:50, यानी कि 7 बजने वाले हैं। और अभी हमने जस्ट चाय वाय पी थी, ठीक है, दोपहर के लंच की ब्लॉग में करने पर था, तो लंच में हमने लिया था आज पुलाव और दही, ठीक है। तो ये हमारा लंच था। और गुगी क्या कर रहे हैं? ये देखो, ये रहा गुगी, गुगू फोन दिख रहे हैं ये, ठीक है। और पता है क्या हुआ आज? YouTube वालों ने मुझे एक बहुत बड़ा सा लेटर भेजा, ठीक है, कि आपके चैनल पे बहुत सारे कॉपीराइट है, तो इसकी वजह से हम आपका चैनल मोनेटाइजेशन से हटा रहे हैं, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड कर रखे हैं इतने सारे, ठीक है। और तो बस, और एक वो सना की वीडियो थी कोई सच ए बोरिंग डे वाली, वो मैंने अपलोड कर रखी थी, ठीक है। तो उस चलते हुए, और कुमकुम जो था ना, उस कुमकुम के चक्कर जो पर उसकी वीडियो अपलोड कर रखी थी, तो उन सबको बोल रहे थे कि वो डिलीट करो, तभी हम आपको मोनेटाइजेशन आपके चैनल पे वापस देंगे। तो मैंने फिर वो आज इतने सारी अपने शॉर्ट्स डिलीट करे जिस पे कॉपीराइट थे, जो जो अच्छे थे वो रख रखे हैं, ठीक है। अब वो देना चाहे ना देना चाहे वो उनकी मर्ज़ी है, यूट्यूब वालों की, हमें क्या करना, ठीक है। हमें तो टाइम पास के लिए ब्लॉग बनाता हूँ मैं, तो बस बनाते रहेंगे चाहे पैसा मिले या ना मिले, है ना। तो हाँ, तो उन्होंने क्या कर रखा था, हाँ, तो उन्होंने मेरी शॉर्ट्स मैंने काफ़ी सारे यार बैठ के हटाई हैं, जो जो उन्होंने बोली थी, ठीक है, वो, और जो सना की कुमकुम की थी वो सब मैंने डिलीट कर दिया अपने चैनल से। तो होपफुली अब एक महीने बाद दोबारा रिप्लाई कर दूंगा, दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भगवान भरोसे, ठीक है। ये सब चीज़ भगवान के ऊपर या ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। देना चाहेंगे तो उनकी मर्ज़ी, नहीं देना चाहेंगे तो भी उनकी मर्ज़ी है, जैसी प्रभु इच्छा वैसे है, हम भी रह लेंगे, ठीक है। तो बस अब श्वेता भी आ जाएगी, फिर हम करेंगे डिनर, अब देखते हैं क्या बनता है डिनर में। तो मिलता हूँ मैं आपको फिर जब श्वेता आ जाएगी और डिनर हम करेंगे तब, ठीक है। हमारा आज का डिनर जिसमें ये टमाटो, यहाँ पे हैं ये करेले, यहाँ पे ये दाल बनी है ताज़ी ताज़ी, और यहाँ पे बनी है ये रोटी। तो यही है हमारा आज का डिनर। और यहाँ पे गोगी बॉल से खेल रहा है। गोगी बॉल से खेल रहे हो? बॉल से खेल रहे हो? ये देखो। तो बस इसी के साथ ये वाला छोटा सा ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।